गढ़वाल में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मॉनसून के दौरान सड़कों की स्थिति, झीलों के जलस्तर, सिंचाई, नहरों और पेयजल विद्युत आपूर्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि नियंत्रण कक्षों के नंबर आम जनता तक पहुंचाए जाए ताकि आपदा के समय सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान सुनिश्चित हो सके। प्रदेश में मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है और उसको लेकर जिलाधिकारी से हम बात करेंगे कि जो मौसम विभाग है उसको लेकर जो निर्देश हैं उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, अधिकारियों क्या निर्देश दिए गए हैं सब बात करेंगे। सर क्या निर्देश दिए गए सर मौसम विभाग जो अलर्ट? देखिए, जो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किए गए हैं और आगामी अगले 2 सप्ताह में मानसून के आने की भी पूरी संभावना है, तो इसको लेकर विभिन्न डिपार्टमेंट जो भी ये कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बड़ी सड़क के हों, बिजली के हों, पानी के हों, राशन, सभी के साथ आज फिर से रिव्यू किया गया सुबह और सभी को ये हिदायत दी गई है कि सतर्क रहें क्योंकि काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो ऐसे चांसेस है कि अगर बारिश होती है तो लैंडस्लाइड के या फिर सड़क के रुकावट आने के चांसेस हो सकते हैं, साथ ही बिजली की सप्लाई भी बाधित हो सकती है, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन सबने करी है और साथ ही नालियों की सफाई, कलवट की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि पानी की प्रॉपर निकासी हो सके और कहीं भी कोई आपदा की सिचुएशन न बने। सर जिस तरह से आपदा को देखते हुए अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं जैसे मोबाइल वगैरह? देखिए, सभी अधिकारी की जो छुट्टियां हैं उसमें बता दिया गया है कि उसको केवल जिला अधिकारी स्तर से ही उसका अनुमति ली जाए और साथ ही कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन स्विच ऑफ न करे और साथ ही अधिकारीगणों के साथ साथ जो सब डिवीजन या ग्राम स्तर के जो कर्मचारीगण हैं वो भी अपने साथ तत्काल जो भी संपर्क बना के रखें। कोई भी आपात की स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने की स्थिति या मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति बिना अनुमति के पाई जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर जनता से क्या अपील करेंगे ऐसे माहौल में? देखिए, जनता से सभी जनपदवासियों से अपील है कि कोई भी अगर आपको आपदा की वजह से कोई ऐसी कोई घटना की सूचना प्राप्त होती है या फिर अंदेशा भी लगता है जैसे कहीं बादल फटने की घटना हो या गाढ़ गदेरे में अधिक पानी का बहाव बढ़ गया हो तो उसकी तत्काल हमारे आपदा कंट्रोल रूम में या मुझे अपने मोबाइल पर भी भेज सकते हैं सूचना, जिससे कि हम पहले से अपनी टीम रवाना करें और साथ ही अपने अपने पशुओं का, अपनी खेतीबाड़ी आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं वहां पर जहां जहां पानी की निकासी में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसकी सूचना भी दें और जान माल की अगर कहीं भी घटना कोई ऐसी घटित होती है तो उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्म करें। जिलाधिकारी जी से हमारी बात हुई तो उनका साफ साफ निर्देश था कि जो अधिकारी हैं वो बिना सूचना के मुख्यालय न छोड़ें, साथ ही जनता से भी अपील की है कि कहीं पे भी कोई किसी तरह की कोई घटना होती है तो आपदा कंट्रोल नंबर और या जो जिलाधिकारी का फोन नंबर है उस पर संपर्क करके सूचना दे सकते हैं। अरविंद नौटियाल, न्यूज़ स्टेट, टीडी गढ़वाल।